फाइनली एक साल हम लोग को पूरा हो गया है, और लास्ट ईयर जब हम लोग ने ब्लॉगिंग चालू की थी हमको लगा भी नहीं था कि हम लोग इतना आगे आ जाएंगे। बट हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम जो पागलपन करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, वो सब आप लोग के साथ में शेयर करें। ब्लॉगिंग करने का एक फ़ायदा ये है कि आप रीवाइंड करके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कब कब और कैसे कैसे किया है। तो फाइनली हम लोग ने सोचा एक साल होने की खुशी में हम लोग एक रीवाइंड वीडियो बनाते हैं। हम लोग की ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई पिकनिक से। किसको पिकनिक नहीं पसंद। हम लोग गए पहले दिन कहाँ गए थे हम लोग? टिंचा फॉल, तफरी, सारे टिंचा फॉल हम लोग गए थे, और सब लोग एज ऑलवेज लेट आए थे। उसके बाद में हम लोग ने डव्स देखी, रैबिट्स को खाना खिलाया और ना जाने क्या क्या किया। हम लोग का व्लॉगिंग के आइडियाज नहीं आ रहे थे हम लोग को, तो हम लोग आइडिया कॉलोनी में जाके स्केट बोर्ड के ऊपर बैठ के भीख मांग रहे थे। हम लोग ने गोलू और दरमेन को प्रैंक किया, जिम में स्लो मोशन वीडियो बनाया जो हम लोग ने एक्चुअली नया कैमरा लिया था उससे, और मैं हमेशा कैरेक्टर हुई और मेरा कैरेक्टर आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा शायद, अगर आ रहा हो तो कमेंट करना प्लीज। हम लोग ने एक चैलेंज वीडियो किया जिसमें रोशो को मैंने स्टडी वन डे सुंगाए और रोशो ने मुझे पालक एलोवेरा चटाया था। तुझे मैंने वो जो पालक थी वो डस्टबिन में से उठा के पैक किया था तेरे लिए। शिट मैन, मुझे हेयर कट मिला, मैंने पूरे साल बाल नहीं कटवाए थे, अभी जाके मई में मैंने अपने हेयर कट करवाया है एक प्रॉपर सैलून में जाके। जब तक मैं इसकी हेयर डिजाइनर थी मेरे बाल काट रही थी। हम लोग ने एक पूरी रात निकाली डोसा ढूंढने में, एक ऑसम सा वीडियो बनाया माती के लिए। देखो हम लोग ने फिर वो वीडियो देखा और माती को रुला दिया था। हम लोग ने एक बहुत ही बोरिंग ओरिगामी चैलेंज किया। हम लोग चैलेंजेस एक्चुअली बारिश में करना पसंद करते हैं क्योंकि बारिश में हम लोग बाहर जा नहीं सकते, ज्यादा ब्लॉग कर नहीं पाते। वो ब्लॉग चला ही नहीं, अभी भी नहीं चला, वो वीडियो 23 व्यूज है, वो वीडियो अभी तक नहीं चला है, सबसे लीस्ट चला हुआ वीडियो है। हम लोग ने सोचा कि लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्शन कैसे होते हैं, और मैं इसमें बहुत डरी हुई थी इसलिए मैं कैमरा गर्ल बन के रह गई, कैमरा के पीछे ही रह गई और मैं कैमरे के आगे लोगों से बात करता हूँ, आप लोग को दिखा, और लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया। दैट इज लाइक द सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो हम लोग का। और उसके बाद में मैं अकेली थी जो कि बहुत ही जो मैंने ओरिगामी चैलेंज के लिए बोला था फर्स्ट वीडियो का, आई टेक इट बैक। उसके बाद में मैंने एक अमेजिंग सा आइडिया लिया और मैंने फटाक से अपने कपड़े चेंज किए कैमरा के सामने हाथ दिखा के, एंड हम लोग ने टीला पे जाके योगा चैलेंज किया। टीला एक पहाड़ है हमारे घर के थोड़ा सा दूर, फिर हम लोग देखने गए गरबा। I love गरबा। हम लोग ने रावण बनाया एक दिन में और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम लोग ने हमारी माँ को बोला कि आप लोग ब्लॉग करो, हम लोग कैमरा आपके हाथ में देते हैं। सो उन लोग ने घबराते हुए थोड़ा सा ब्लॉग किया। हम लोग ने दिवाली सेलिब्रेट की बड़े स्टाइल में कैमरास के साथ में। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ने कैमरा के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। आधे टाइम को हम लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग हमारे साथ में हो और हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे। रोशो ने अपना गेम कलेक्शन फ्लॉन्ट किया जो हम लोग के पास में जितनी गेम्स हैं वो सारी की सारी। एक्चुअली इसमें जो गेम नहीं है वो हमको बताओ क्योंकि मुझे इंडोर गेम्स बहुत पसंद है। सी शी स्टिल शोइंग ऑफ। उसके बाद में हम लोग गए वंश के बर्थडे पे और वहां पर वंश के दोस्तों से ज्यादा तो हम लोग नाच रहे थे एंड वी वेंट क्रेजी विद द म्यूजिक। अजीब अजीब से गाने लगाए हम लोग ने और नाचा, और ये पहला वीडियो था जिस पे मेरा कॉपीराइट क्लेम आया और मुझे पूरा वीडियो स्ट्रिप डाउन करके फिर से एडिट करके डालना पड़ा। और मेरे बर्थडे का वीडियो तो किसी ने देखा ही नहीं क्योंकि वो देख ही नहीं सकते। ये वाला वीडियो मेरा सेकंड वीडियो है जिसपे कॉपीराइट क्लेम है, अगर वो देखना है आपको तो डेस्कटॉप से देखना पड़ेगा कि ये वीडियो में जिसका गाना है उसने मुझे परमिशन नहीं दी है कहीं पर भी दिखाने के लिए। हम लोग रेफिएस्टा गए, हम लोग ने ढेर सारा वहाँ पर खाया रेफिएस्टा में, और हम लोग ने बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी करी क्योंकि खाना महंगा बहुत था। और उसके बाद में हम लोग ने पहला 360 ब्लॉग बनाया शार्क पट्टू हमारे बड़े भाई, उनके कैमरे की बदौलत हम लोग ने एक 360 वीडियो बनाया। वी मेड अ 360 वीडियो और सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा, बट यू नो पूरा रात का सीन था तो इट्स काइंड ऑफ ब्लरी। फिर उसके बाद में हम लोग के पास में इतना सारा घूमना हुआ हम लोग का, जब मेरी माँ लुधियाना गई थी तो हम लोग ने जितना घूमा जितना जहाँ जहाँ हम लोग गए हम लोग ने एक शॉर्ट ब्लॉग बनाने की कोशिश करी पर वो बहुत लॉन्ग है। हम लोग ने फिर लोई सेलिब्रेट करी और मुझे
बिल्कुल भी ठंडी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे शायद इतना भी बारह डिग्री टेम्परेचर होगा, पर रोशू को स्टाइल मारना था और मैंने पता नहीं क्यों पोनी टेल रखी थी अपनी। उसके बाद मुझे सीटी बजानी आ गई। हम लोग ने एक प्रैंक बनाया जो कि मेरा आइडिया था, जो रोशू का आइडिया था। हम लोग घबरा गए थे ये करने से पहले, और हम लोग ने जब ये वीडियो बनाया दैट वाज क्रेजी। हम सब ने होली सेलिब्रेट करी। और अगर इस वीडियो में आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया होगा होली वाले पे, तो प्लीज देखो, इसमें मैंने वीडियो बोला तू गीला कैसे हो गया है, मैं देखो और गीला करती हूं। या सो स्मार्ट। फिर हम लोग क्रेजी पटेल्स के साथ में दो दिन दो व्लॉग्स बनाए जिसका नाम है फंटास्टिक वन एंड फंटास्टिक टू, जिसमें हम लोग सराफा घूमे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ गए। फिर हम लोग पास में रॉय एंड रिची आए जो कि हम लोग के जीजू और दीदी हैं, तो उन लोग को भी हम लोग सराफा लेके गए। हम लोग ने एक क्रेजी तरीके से नेरिक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोग इसमें देख सकते हो, सी मैं कितनी मोटी दिख रही हूं। और रोशु के हाथ में इंक लगी थी। हम लोग इंदौर के सबसे ऑसम राम मंदिर गए जहाँ पर तुमको 108 बार राम लिखे बिना बाहर नहीं आने देते। फिर मेरा बर्थडे आया और मेरे बर्थडे पे मुझे जितनी चीजें चाहिए थी, यू नो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो का ऑडियो फ्रॉम द सेम माइक जो मैं अभी अनबॉक्स कर रहा हूँ वीडियो में। बैटरी ग्रिप और जितनी चीजें मुझे चाहिए थी सब, और यहाँ से हम लोग आ गए अभी रिवाइंड वीडियो पे। अब हमारी जर्नी सेकेंड ईयर की चालू हो रही है एंड वी होप कि अब हम लोग और ज़्यादा ऑसम वीडियोज़ बनाएं, जो हम लोग ने पिछली बार बनाया था उससे भी ज़्यादा, और आप लोग को थोड़ा और एंटरटेन करें। बट वे वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम लोग ने मेन और फन पार्ट अभी बचा के रखा है। गूफ अप्स बेस्ट पार्ट, यू नो सब लोग को गूफ अप्स पसंद है, तो हम लोग ने सोचा व्हाई नॉट, जितने हम लोग के पास गूफ अप्स पड़े हम लोग वो सारे आप लोग के लिए दिखाते हैं। सो हैव फन गाइस। बाय द वे, अगर आप लोग को हमारा पागलपन, मस्ती, मजाक और जो सब हम लोग करते हैं वो पसंद है, तो हिट लाइक, डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर वीडियो। और अगर आप लोग ने नोटिस नहीं किया है तो हम लोग का सिग्नेचर मूव है, मैं सैल्यूट करता हूँ और रोशु कट करती है। If you haven't noticed it, अभी हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि हम लोग ऑडियो पे हैं, but still, bye. बहुत गर्मी लग रही है। गुफाप्स। ये गुफाप्स। 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 गुफाप्स है। So as you know, मेरा बर्थडे। टंकी दिख रही है। जो आपका मन भी ट्रिकी टीवी है वहाँ पजामे में बैठा है। Bye. खत्म हो गया ये टीवी, खत्म हो गया ये। बारिश लगा।